इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपके आधार कार्ड में वर्चुअल आईडी यानी VID नहीं है, आपका पुराना आधार कार्ड है और उसमें शो नहीं हो रहा है, तो आप जो है लैपटॉप से अपने मोबाइल फ़ोन से वर्चुअल आईडी यानी VID कैसे जनरेट करेंगे खुद से, बिना दुकान पर जाए, बिना साइबर कैफे में जाए। स्वागत, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। चैनल सब्सक्राइब करते ही आपको क्या करना है, साथ में इस बेल के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बेल के बटन प्रेस करने से यह होगा कि मैं पर डे नया नया वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो बेल के बटन को प्रेस कीजिए। इसके बाद क्या करना है, आपको ऑल कर देना है। ऑल करते ही क्या होगा कि मैं पर डे नया नया वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताया हूं कि किस तरीके से आप वर्चुअल आईडी को आप किस तरीके से जनरेट करेंगे। साथ ही मैं आपको ये भी बताया हूं कि आप जो है अपना आधार कार्ड को कैसे डाउनलोड करेंगे, और मैं आपको ये भी बताया हूं कि आप जो अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको जो वहाँ पर पासवर्ड क्या डालना है, वो सब तरीका मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ। मैं आपको इस वीडियो में ये बताया हूँ कि किस तरीके से आप घर बैठे बिना दुकान में जाए, बिना साइबर कैफे में जाए, अगर आप जो है यही काम करवाने के लिए दुकान वाले के पास जाइएगा तो वहाँ पे जो है आपको 50 रुपये से 1 रुपया कम नहीं लेगा। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताया हूँ किस तरीके से अगर आपके आधार कार्ड में VID नंबर यानी वर्चुअल आईडी नंबर शो नहीं कर रहा है तो आप खुद से घर बैठे फ्री में आप कैसे उसको जनरेट कर सकते हैं। आपको कहीं भाग दौड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, या आपको आधार सेंटर जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आधार सेंटर जाइएगा तो वहाँ पे बोलेगा भैया आप दुकान पे जाइए। तो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताया हूँ कि किस तरीके से आप वर्चुअल आईडी जो है कैसे जनरेट करेंगे, और जैसे ही जनरेट करते हैं तो आपके मोबाइल पे भी जो मैसेज आ जाता है और आपके मोबाइल पे भी 16 डिजिट का वर्चुअल आईडी भी आ जाता है। तो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल में बताया हूँ कि किस तरीके से आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप से वर्चुअल आईडी को आप कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपके आधार कार्ड में वर्चुअल आईडी यानी VID जिसको वर्चुअल आईडी बोला जाता है, अगर वो नहीं है, आपका पुराना आधार कार्ड है, पहले आप निकलवाए हुए हैं, अगर आपके पास नहीं है, आपके आधार कार्ड में वो शो नहीं कर रहा है, तो आप जो है वर्चुअल आईडी कैसे जनरेट करेंगे, और जनरेट करने के बाद जो है आपको आपके वोटर आईडी में वो शो भी करने लगेगा। सबसे पहले क्या करना है, आप कोई भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको टाइपिंग कर देना है UIDAI.gov.in। जैसे देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने में UIDAI का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आपके सामने में ओपन होकर आ जाता है। अब मैं सबसे पहले आपको ये दिखाऊंगा कि आपके आधार कार्ड में वर्चुअल आईडी है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे वो देखने के लिए आपको यहाँ डाउनलोड आधार पर क्लिक करेंगे। यहाँ से पहले अपना आधार कार्ड को डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे आप जिसका भी वर्चुअल आईडी जो है देखना चाहते हैं आपके आधार कार्ड में है या नहीं, तो वो जो उसका आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद टिक करेंगे, इसका ये जो कैप्चा है स्मॉल में तो स्मॉल में, कैपिटल में तो कैपिटल में यहाँ पे आप डालेंगे। सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP आएगा, वो OTP आपको डालना है। चलिए मैं आपको फटाफट से करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए आधार नंबर ये कैप्चा यहाँ पर डाल दिए हैं, टिक कर दिए हैं, इसका सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि आपका जो मोबाइल नंबर, यहाँ पर देखिए कि आपके मोबाइल नंबर पर OTP भेज दिया गया है। मेरे पास OTP आ गया है, तो यहाँ पर 10 मिनट का टाइम रहता है, आपको 10 मिनट में यहाँ पर अपना OTP डाल देना। जैसे मेरे केस में आ गया, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। OTP डालने के बाद यहाँ पर जो है आपको यस वाले पर क्लिक कर देना है, और नीचे जो है यहाँ पर वेटिंग फाइव वर्किंग डे पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए है वेरीफाई एंड डाउनलोड, आपको इस पर क्लिक कर देना है। आपका आधार कार्ड यहाँ पर डाउनलोड होकर देखिए आ चुका है, आपको इस पर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको जो है लॉक लगा रहता है, तो लॉक आपको वही डालना है जो आपके शुरू के नाम का 4 जो नंबर है वो 4 नंबर डालना है। इसके बाद आपको ईयर ऑफ बर्थ डालना है, जैसे आपका नाम है राजा तो RAZA डालना है 4, और शुरू का ईयर ऑफ बर्थ आपका कौन सा ईस्वी में
मतलब आप पैदा हुए हैं वो स्पी का नाम आपको डाल देना है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है पासवर्ड, इसका सबमिट वाले पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही सबमिट वाले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि आपका जो है आधार कार्ड यहाँ पे ओपन होकर आ रहा है, और देखिए यहाँ पे आपका आधार कार्ड यहाँ पे ओपन होकर आ चुका है, और यहाँ पर देखिए कि आपका यहाँ पर वर्चुअल आईडी आपको यहाँ पे शो हो रहा है, और यहाँ पे जो है आपका जो है आधार कार्ड भी आपका यहाँ पे डाउनलोड होके आ चुका है। अगर आपके आधार कार्ड में ये जो वर्चुअल आईडी नहीं है तो आप जो है उसको आप कैसे जनरेट करेंगे, मैं आपको वो भी तरीका बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो पर्सन का जो है यहाँ पे आधार कार्ड जो है यहाँ पे ओपन होके आ चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है अपने आधार कार्ड में, अगर आपके आधार कार्ड में वर्चुअल आईडी जनरेट नहीं है तो उसको आप कैसे जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, वही तरीका अपनाना है। कोई भी जो आप जो है वर्चुअल ओपन कीजिएगा और यहाँ पर डालिएगा uidi.gov.in, इंटर कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इसका वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा वर्चुअल आईडी मतलब VID जनरेट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि आपके सामने वर्चुअल आईडी का जनरेट करने का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पर देखिए जनरेट और यहाँ पे वर्चुअल आईडी, तो यहाँ पे अपना आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। ये कैप्चा आपको यहाँ पर डालना है, स्मॉल में तो स्मॉल में, कैपिटल में है तो कैपिटल में यहाँ पर डालना है। सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उसी पे आपको OTP जाएगा। वो OTP का टाइम 10 मिनट का होता है, तो 10 मिनट में आपको OTP डाल देना है, इसको सबमिट करना है। चलिए मैं आपको फटाफट से करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने आधार नंबर डाल दिया, ये कैप्चा डाल दिया, सेंड OTP पे क्लिक करते हैं। जैसे ही OTP पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए OTP जो है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर चल गया होगा, यहाँ पर मेरे केस में आ गया है, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। यहाँ पे जनरेट VID पे क्लिक करेंगे, यहाँ जनरेट वाले पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपका जो है यहाँ पे देखिए आपका जो वर्चुअल आईडी है जनरेट हो चुका है। सो गाइस, इस तरीके से बहुत ही आसानी तरीका से जो है आप वर्चुअल आईडी जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कि आपका लिखा भी आ रहा है योर वर्चुअल आईडी सेंड योर रजिस्टर मोबाइल नंबर, मतलब बोला जा रहा है कि आपके मोबाइल नंबर पे भी ये वर्चुअल आईडी भेज दिया गया है जो 16 डिजिट का है। सो गाइस, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से आप अपने आधार कार्ड का वर्चुअल आईडी जनरेट कर सकते हैं, अगर आपको पता नहीं है कि कैसे किया जाता है। तो ये वीडियो देखने के बाद आप बहुत ही आसानी तरीके से सीख गए होंगे किस तरीके से वर्चुअल आईडी जनरेट किया जाता है। इसको देखने के लिए सीधे क्या करना, आपको गो टू माई आधार पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ गो टू माई आधार पर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद डाउनलोड आधार पर क्लिक कीजिएगा। फिर वही प्रोसेस है, आपको आधार नंबर डालना है, टर्म को एक्सेप्ट करना है, कैप्चा स्मॉल में तो स्मॉल में, कैपिटल में है तो कैपिटल में यहाँ पर डालना है, सेंड OTP पर क्लिक करना है। आधार नंबर कैप्चा डालने के बाद यहाँ सेंड OTP पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपके मोबाइल पर जो है OTP भेज दिया गया है, वो OTP आपको यहाँ पर डालना है। चलिए हम डाल के दिखा देते हैं, तो मेरे केस में यहाँ पर आ गया है, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप जो है आधार कार्ड UID वेबसाइट से प्रिंट करना चाहते हैं, तो यस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ बोला जा रहा है कि आप जो है इंडिया पोस्ट से जो है आप कितना दिन में जो है आप अपना आधार कार्ड लेना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना। यहाँ पर 5 डे, 6 से 10 दिन, 11 से 15 दिन, या मोड 15 दिन, या डिड नॉट रिसीव, तो आप क्या चाहते हैं वो आपको इसमें से चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ वेरीफाई एंड डाउनलोड पर क्लिक करके अपना जो है आधार कार्ड को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है नीचे यहाँ पर डाउनलोड होकर आ जाएगा। जैसे देखिए आपके पास मैसेज भी आ गया और यहाँ पर आपका डाउनलोड भी हो गया, इस पर क्लिक कीजिएगा। फिर अपने नाम का शुरू का 4 जो है अंक डालिएगा, इसके बाद ईयर ऑफ बर्थ डालना है, इसके बाद सबमिट वाले पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो आधार कार्ड ओपन होके आ जाएगा। डालने के बाद यहाँ सबमिट वाले पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट वाले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका जो है आधार कार्ड यहाँ पे डाउनलोड होके आ गया है। सो गाइस, इस तरीका से बहुत ही इजी तरीका से आप वर्चुअल आईडी को जनरेट कर सकते हैं और अपना आधार कार्ड को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीका से VID नंबर यानी वर्चुअल आईडी नंबर कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से कैसे जनरेट कर सकते हैं बिना कहीं भाग दौड़ किए, बिना साइबर कैफे जाए, बिना दुकान पे जाए। अगर आप यही काम दुकान वाले के पास करवाइएगा तो वहाँ पे आपको 50 रुपीज़ से कम नहीं लेगा। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।